सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपका भाई लेकर आ गया है मकर संक्रांति स्पेशल एक और फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज का हमारा पिक्चर एडिटिंग है जो बहुत ही सिंपल और आसान स्टेप में होने वाला है। सो गाइस, वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना। अब इस वीडियो को देखने के बाद आसान तरीके से अपना पिक्चर है जो एडिट कर सकते हो। सो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए गाइस, आज हम कुछ इस प्रकार से पिक्चर एडिटिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए गाइस सिंपली हमें दो एप्लीकेशन का जरूरत पड़ने वाला है। सो चलिए गाइस, सबसे पहले हम पिक्सआर्ट को ओपन कर लेते हैं। और देखिए गाइस, अगर आपके पास मेरे वाला पिक्सआर्ट का प्रीमियम वर्जन नहीं है तो गाइस मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ पर जाकर आप मुझे डीएम करके मेरे वाला पिक्सआर्ट ले सकते हो। सो देखिए गाइस, पिक्सआर्ट ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली गाइस प्लस के आइकन पर टैप कर देना है और यहाँ से गाइस सिंपली आपको एडिटिव फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर गाइस क्लिक कर देना है और यहाँ से गाइस हमारी गैलरी ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले गाइस हम अपना एक बैकग्राउंड है उसको गाइस यहाँ से ऐड कर लेते हैं। सो देखिए गाइस, बैकग्राउंड आ जाने के बाद आपको अपने स्मार्टफोन का रोटेशन उसको गाइस ऑन कर लेना है और अपने मोबाइल को गाइस कुछ इस तरह से टेढ़ा कर लेना है, रोटेट कर लेना है, जिससे हमें पिक्चर एडिट करने में थोड़ी आसानी हो जाए। सो अब गाइस नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ से गाइस आपको ऐड फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पर गाइस क्लिक कर देना है और गाइस यहाँ से आपको कुछ इस तरह से अपना पिक्चर शूट कर लेना है और उसका गाइस पीएनजी इमेज बना लेना है। सो अगर गाइस आपको अपना पीएनजी इमेज बनाना नहीं आता है तो गाइस डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिलेगा, जिसे देखकर आप अपना क्लियर एचडी पीएनजी इमेज बना सकते हो। सो गाइस मेरे पास एक मॉडल का पीएनजी इमेज है तो उसको गाइस हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। सो देखिए गाइस, हमारे मॉडल का पीएनजी इमेज है जो आ चुका है। तो इस पर शुरू गाइस कुछ इस तरह से हम यहाँ पर जूम कर लेंगे और यहाँ पर गाइस कुछ इतना यहाँ पर सेट कर लेंगे। सो इस पिक्चर को यहाँ पर सेट कर लेना है और फिर गाइस एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है और फिर से गाइस ऐड फोटो के ऑप्शन पे चले जाना है। सो गाइस, अब आपको कुछ काइट्स का पीएनजी इमेज है उसको गाइस यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर बता दूं, मैं यहाँ पर बैकग्राउंड और जितने पीएनजी इमेज यूज करने वाला हूँ सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपको वहाँ पर डाउनलोड करने में कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आ सकते हो, मैं वहाँ पर आपको इमेज है प्रोवाइड कर दूंगा। सो यहाँ पर गाइस हम काइट्स का पीएनजी इमेज है उसको गाइस यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। सो देखिए गाइस, हमारा इतने इमेज है तो आ चुका है। तो सबसे पहले गाइस इस इमेज को यहाँ पर साइड में रखेंगे और इस पर गाइस टैप करेंगे और इसको गाइस पिक्चर को थोड़ा छोटा कर लेंगे हम। इस पिक्चर को गाइस यहाँ पर सेट कर लेना है और फिर गाइस इस पिक्चर पे टैप करना है और इस पिक्चर को गाइस यहाँ पर आपको अच्छे से सेट कर लेना है और फिर गाइस इस पिक्चर पे टैप करना है और इसको गाइस थोड़ा सा आपको जूम कर लेना है और यहाँ पर गाइस सेट कर लेना है। सो यहाँ पर सेट कर लेना है पिक्चर को और फिर गाइस यहाँ पर आपको देखिए डबल लेयर का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर गाइस क्लिक करना है और इस पिक्चर को यहाँ से गाइस मूव डाउन कर देना है। सो इतना करने के बाद गाइस एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है और फिर से गाइस ऐड फोटो के ऑप्शन पे चले जाना है। तो गाइस अब आपको एक सनलाइट का पीएनजी इमेज मिलेगा उसको गाइस ऐड कर लेना है और गाइस एक बर्ड का पीएनजी इमेज है तो दोनों पिक्चर को गाइस यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। तो देखिए गाइस, इस सनलाइट वाली पिक्चर को आपको यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है ऊपर और थोड़ा सा गाइस छोटा कर लेना है पिक्चर को और नीचे स्क्रॉल करना है गाइस और यहाँ से गाइस ब्लेंडिंग मोड पे जाना है और इसको गाइस स्क्रीन कर देना है। सो स्क्रीन करने के बाद गाइस पिक्चर को यहाँ पर सेट कर लेना है और फिर गाइस इस बर्ड वाली पिक्चर पे क्लिक करना है और इसको गाइस छोटा कर लेना है और फिर गाइस नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखिए गाइस फ्लिप रोटेट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इस पर गाइस क्लिक कर देना है और इसका रोटेशन है गाइस चेंज कर लेना है। तो इस साइड में रोटेशन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर सेट कर लेना है पिक्चर को और गाइस एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है। सो इतना कर लेने के बाद गाइस फिर से आपको ऐड फोटो के ऑप्शन पे चले जाना है और गाइस अब आपको एक मांझे का और फिरकी का पीएनजी इमेज है उसको ऐड कर लेना है। सो देखिए गाइस, हमारे तीन पिक्चर है तो आ चुके हैं। तो सबसे पहले गाइस इस पिक्चर को हम यहाँ पर छोटा करेंगे और यहाँ पर गाइस सेट कर लेंगे और फिर गाइस तीनों पिक्चर को यहाँ पर आपको छोटा कर लेना है और यहाँ पर गाइस अच्छे से सेट कर लेना है। सो इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर गाइस सेट कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए गाइस, ये वाला पिक्चर है जो हमारे पीछे है तो इसको गाइस यहाँ से हम मूव अप कर लेंगे, जिससे वाला पिक्चर है जो ऊपर आ जाएगा और फिर गाइस यहाँ पर आपको इसको अच्छे से सेट कर लेना है। सो तीनों पिक्चर को आपको यहाँ पर सेट कर लेना है। सो इतना कर लेने पर गाइस आपको एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है और फिर से गाइस ऐड फोटो के ऑप्शन पे चले जाना है। सो गाइस अब आपको मकर संक्रांति का टेक्स्ट इमेज है उसको गाइस यहाँ पर ऐड कर लेना है। सो देखिए गाइस, ये वाला पिक्चर है जो आ चुका है तो इसको गाइस छोटा करेंगे और यहाँ पर गाइस सेट कर लेंगे। सो इस साइड में कर लेते हैं गाइस और फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे और ब्लेंडिंग मोड पे जाएंगे और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाई करने के बाद गाइस एक बार स्क्रीन पर टैप कर देंगे और फिर से गाइस ऐड फोटो के ऑप्शन पे जाएंगे। सो देखिए गाइस, यहाँ पर हमारा लिमिट था वो यहाँ पर क्रॉस हो चुका है ऐड फोटो का, तो इसके लिए गाइस सिंपली हम एक बार राइट के निशान पर टिक कर देंगे और अब गाइस यहाँ से हम ऐड फोटो के ऑप्शन पे जाएंगे और गाइस अब आपको एक ब्लैक शैडो का पीएनजी इमेज है उसको गाइस यहाँ पर ऐड कर लेना है। सो देखिए गाइस, ये वाला पिक्चर है तो इसको गाइस हम यहाँ पर अपने पिक्चर के जितना जूम कर लेते हैं और फिर गाइस यहाँ पर आपको अपने पैरों के नीचे कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट कर लेना है। सो इतना कर लेने पर गाइस एक बार स्क्रीन पर टैप कर देंगे और फिर से गाइस ऐड फोटो के ऑप्शन पे जाएंगे।
और गाइस अब आपको एक स्मोक का पीएनजी इमेज मिलेगा, उसको ऐड कर लेना है गाइस। और इस पिक्चर को गाइस थोड़ा सा जूम कर लेना है अपने पिक्चर के जितना, और गाइस यहां पर सेट कर लेना है। और इतना करने के बाद गाइस अब आपको इस डॉट से पकड़कर पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर लेना है, और फिर गाइस नीचे स्क्रॉल करना है, और यहां से गाइस ब्लेंडिंग मोड पे जाना है और इसको गाइस स्क्रीन कर देना है। सो स्क्रीन करने के बाद गाइस पिक्चर को थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं हम। और फिर गाइस यहां पर देखिए आपको डबल एयर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे गाइस क्लिक कर देना है और इसको गाइस यहां से मूव डाउन कर देना है। सो मूव डाउन करने के बाद गाइस एक बार स्क्रीन पर टैप कर देंगे और गाइस राइट के निशान पे टिक कर देंगे। सो देखिए गाइस हमारा जो पिक्सआर्ट में पिक्चर था वो फुल एडिट हो चुका है, हमारा पिक्सआर्ट का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। सो अब गाइस इस पिक्चर को यहां से आपको एरो के ऑप्शन पर टैप कर देना है और इसे गाइस गैलरी में सेव कर लेना है। सो इतना करने के बाद गाइस इस पिक्चर को यहां से हम अपने लाइटरूम ऐप के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। सो देखिए गाइस मैं यहां से अपने पिक्चर को लाइटरूम में लेकर आ गया हूं। और अगर गाइस आपके पास मेरे वाले लाइटरूम का प्रीमियम वर्जन नहीं है, ये दो फीचर है जो अनलॉक नहीं है, तो गाइस मेरे Instagram ID का लिंक दिया है, वहां पर आकर मुझे DM करके मेरे वाला लाइटरूम है वो गाइस ले सकते हो। सो देखिए गाइस अब आपको यहां पर सिंपली कुछ नहीं करना है, यहां पर देखिए आपको ऑटो एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पे गाइस टैप कर देना है और यहां से गाइस अपने पिक्चर को यहां से हम ऑटो एडिट कर लेंगे, लाइटरूम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके दे देगा। सो अब गाइस यहां से हम मैन्युअली एडिट करेंगे, तो इसके लिए गाइस सिंपली हम इस कलर्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहां से गाइस मिक्स टूल में जाएंगे, और मिक्स टूल में आने के बाद गाइस आपको इसका रेड का हुई है इसको थोड़ा सा कम कर देना है, और इसके सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, और लुमिनस को गाइस थोड़ा सा कम कर देना है। सो इतना करने के बाद गाइस अब आपको इस ऑरेंज कलर पे टैप करना है और इसके हुई को गाइस थोड़ा सा कम कर देना है, और सैचुरेशन को गाइस थोड़ा सा कम कर देना है, और इसके लुमिनस को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, जिससे गाइस ये होगा कि हमारा फेस है जो थोड़ा यहां पर ब्राइट हो जाएगा, ग्लो आ जाएगा अपने फेस में। और इतना करने के बाद गाइस अब हम यहां पर देखिए येलो कलर पे आएंगे, येलो कलर का गाइस हुई को थोड़ा सा कम करेंगे और सैचुरेशन को थोड़ा सा कम करेंगे और इसके लुमिनस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और इतना करने के बाद गाइस अब हमारे देखिए पिक्चर में यहां पर स्काई कलर है, तो इसके लिए गाइस सिंपली हम स्काई कलर पे आएंगे। सो देखिए गाइस इसके हुई को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इसके सैचुरेशन को गाइस थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम, और फिर गाइस इसके लुमिनस को थोड़ा सा कम कर देंगे, और फिर गाइस ब्लू कलर पे आएंगे और सेम गाइस इसके हुई को थोड़ा कम कर देंगे और इसके सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और इसके लुमिनस को थोड़ा सा कम कर देंगे। और इतना करने के बाद गाइस अब सिंपली हम यहां पर डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद गाइस अब यहां पर देखिए हम नेक्स्ट टूल में आएंगे, और नेक्स्ट टूल में आने के बाद गाइस इसके टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और क्लैरिटी को गाइस थोड़ा सा बढ़ाएंगे और डिस्टेंस को गाइस थोड़ा सा कम कर देंगे और विग्नेट को थोड़ा कम कर देंगे। सो इतना करने के बाद गाइस मैं आपको एक बार पिक्चर पे टैप करके बता देता हूं। तो यहां पर देखिए गाइस हमारा जो पिक्सआर्ट में फोटो एडिटिंग था तो कुछ इस तरह से था, और लाइटरूम में आने के बाद गाइस हमारे पिक्चर में थोड़ा यहां पर क्वालिटी आ चुका है, हमारे कलर एडजस्टमेंट अच्छे से हो गया है। सो इतना कर लेने के बाद गाइस मैं आपको यहां पर बताता हूं पिक्चर को गैलरी में सेव कैसे करते हैं। तो इसके लिए गाइस सिंपली हम शेयर के ऑप्शन पर टैप कर देंगे और यहां से गाइस सेव टू डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे गाइस क्लिक कर देना है जिससे हमारा पिक्चर जो गैलरी में सेव हो जाएगा। सो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आगे आपको किस वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, भाई आपके लिए जरूर लेकर आएगा। और गाइस हो सकता है मुझसे कुछ मिस पॉइंट हो गया हो तो छोटा भाई समझ के गाइस माफ कर देना। और चले गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत। और गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में गाइस बेल आइकन भी ऑन कर देना, ताकि आपको भाई जब भी वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू गाइस, टाटा बाय बाय।